जी दोस्तों, आइए हम सब जानते हैं कि 768 करोड़ और 40 लाख रुपए दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में आया हुआ दोस्तों, तो आखिरकार उस पैसे का कौन कौन सा जो है काम में लिया जाएगा अर्थात यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां भी टंकी ख़राब हो चुकी है, जहां भी नल जल योजना बाधित है, आप जानते हैं अभी मौसम ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों, अभी कई राज्यों में जी दोस्तों बिहार के कई ज़िलों में वर्षा नहीं हो पाई है, अभी भी दोस्तों वर्षा के लिए किसान जो है मजबूर है, रोज़ाना बादल को देखते हैं लेकिन बादल छाते हैं लेकिन वर्षा नहीं के बराबर हो रही है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले सरकार जो है बिहार सरकार ये सोच रही है कि किसी भी तरह पहले पानी की जो है व्यवस्था जनता को हो जाए, दोस्तों समय से पानी मिल पाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं का लेयर जो है नीचे भाग चुका है वर्षा नहीं होने के कारण। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले बिहार सरकार ये सोच रहा है कि किसी तरह से पानी जो है किसानों को, गरीबों को, पानी पीने वालों को मिल सके। दोस्तों इसके लिए समरसेबुल और कई प्रकार के साधनों को रोका जा रहा है, सिर्फ पीने के लिए पानी जो है चला जा रहा है। दोस्तों अभी फ़िलहाल में मैं आपको बता दूं, मौसम की जानकारी इसके अनुसार बताया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद, यानी कहने का मतलब है कुछ समय बाद, या मान लीजिए दोस्तों 20 या 25 से वर्षा होगी। दोस्तों इसके बारे में अब प्रकृति से नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि प्रकृति जब चाहेगी तब वर्षा करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब बात करेंगे कि आखिरकार मुखिया जी क्या कर पाएंगे। देखिए भाई, मुखिया के लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि 768 करोड़ 40 लाख रुपया है, तो उसमें भी इनके लिए बहुत सारे फंड आ सकते हैं, सरपंच साहब के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है, जिला परिषद साहब के लिए भी आ सकते हैं, बहुत सारे फंड आ सकते हैं। आप सीधे अपने ब्लॉक में पता लगाते रहिए, जहाँ भी आपका ब्लॉक नज़दीकी में है वहाँ पर जा करके अपने अधिकारियों से, सीनियर अधिकारियों से बातचीत करते रहिए, तभी आपको जो है फंड मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और बात करते हैं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जानकारी दोस्तों कि पुराने वाले वार्ड सचिव, 4 वर्षों का जो हम लोग का काम हुआ है उसका सरकार मंजूरी दे देगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है, वहाँ पर नए वाले वार्ड सचिव ही काम कर रहे हैं, और कहीं कहीं देखा है दोस्तों पुराने वाले वार्ड सचिव काम करते रहते हैं। तो दोस्तों कमेंट में बताइए दोस्तों कि क्या पुराने वाले वार्ड सचिवों को मान्यता दे दी चाहिए या संपिता पर रख देनी चाहिए। तो फिलहाल में दोस्तों नए वाले वार्ड सचिव भी चाहते हैं कि हम लोग रहें और हम लोग का सरकारी हो या संपिता हो दोस्तों, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आ रही दोस्तों। जैसे जैसे अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको वीडियो बना करके बताते रहूँगा। तब तक दोस्तों आप अपने ब्लॉक में पता लगाते रहिए 768 करोड़ और 40 लाख रुपया का क्या हो रहा है, कैसे कैसे सरकार जो है फंड उसको दे रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।